बरसात आते ही सड़कों और चौक चौराहों की पोल खुलना प्रारंभ हो जाती है और आवागमन करने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही हाल आज छावनी चौक और नंदिनी रोड का बना हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर चौक पावर हाउस से नियोगी चौक जामुल के बीच गुजरने वाली नंदिनी रोड के मध्य स्थित है छावनी चौक, जहाँ शासन प्रशासन आज तक ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगवा सका है और यह चौक एक लंबे समय से अपने उपेक्षित होने की कहानी कह रहा है। एक बार फिर बरसात का मौसम आ चुका है और इस रोड पर सफर करते हुए छावनी चौक को पार करना खतरों से भरा हुआ साबित हो रहा है। यातायात विभाग द्वारा यहां सिग्नल लगाने के लिए खंभे भी लगाए गए थे, परंतु इन खंभों में सिग्नल लाइट के बजाय विज्ञापन के बोर्ड नजर आते हैं। यह देख कर प्रतीत होता है कि यातायात विभाग को आम जनता के जान की कोई परवाह नहीं है और सिर्फ सिग्नल लगाने वाले खंभों पर विज्ञापन लगवा कर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। सिग्नल नहीं लगे होने के कारण हर रोज यहां से आवागमन करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इस चौक के इर्द गिर्द व्यापार करने वाले भी काफी परेशान रहते हैं। अब ये तो निगम ही बता सकता है, खम्भे तो इसके पहले भी एक बार लगे, फिर कट के गए, फिर ये दूसरा खम्भा लगा। इस पे खाली विज्ञापन के बोर्ड ही लगते हैं, बाकी लाइट तो नहीं लगा। जिसकी आवश्यकता है वो कार्य तो हुआ नहीं, खाली ये विज्ञापन के यूज में आ रहा है। अब ये तो निगम ही बता सकता है क्या दिक्कत है, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है। हम तो चौक में तो एक्सीडेंट तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता ही रहता है, आए दिन होता रहता है। अब ये पोल लग गया है तो हम तो चाहते हैं कि इसमें सिग्नल लग जाए, लाइट लग जाए कि लोगों के आवागमन में सुविधा हो। और भी लाइटें लगे, लाइट के लिए और भी पहले खम्भे गड़े थे, लाइट भी नहीं लगा, अंधेरा रहता है। लाइट लग जाए, उजाला हो जाए, चौक भी साफ सुथरा हो जाए, यही हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार भी चलता रहे और राहगीरों को भी तकलीफ ना हो। कैमरे तो लगाए गए थे, चारों किनारे कैमरे लगाए गए थे, वो चालू हुआ था कि नहीं हुआ था इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कैमरे लगे हुए बहुत दिनों तक दिखे, उसके बाद निकाल के लिए जाया गया है कैमरों को। हम ये कहना चाहते हैं कि लाइट के लिए खम्भा लगाए सिंगल के लिए, और बहुत दिन से लगा हुआ है, लेकिन इसको जिस काम के लिए यूज होना चाहिए उस काम के लिए यूज होता नहीं है। कंपनी अपना अपना प्रचार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो सब करते हैं, और शाम होता है तो यहाँ अंधेरा हो जाता है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कैमरा नहीं लगा हुआ है, कैमरा भी बहुत ज़रूरी है। चौके एक्सीडेंट होते रहता है, आयु दिन एक्सीडेंट होता है। हम लोग रिक्शा चलाने वाला, हम लोग भी परेशान रहते हैं। शासन से ही मांग कर रहे हैं कि शाम के टाइम लाइट जलना चाहिए और कैमरा लगना चाहिए और ट्रैफिक रहना चाहिए। आज 15 साल से छावनी चौक में मतलब मेरा कार्यरत है, लेकिन यहाँ सिग्नल के माध्यम से बोर्ड खम्भे लगाए जाते हैं, लेकिन ये विज्ञापन के लिए, पैसा कमाने के लिए या किस चीज़ के लिए समझ में नहीं आता। और आए दिन यहाँ एक्सीडेंटें होते रहती है, अंधेरा छाया रहता है, लोगों को आवागमन में बहुत परेशानियाँ होती है, बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही है। ये शासन प्रशासन से यही हमारी निवेदन है कि चौक में ट्रैफिक दिया जाए, सिग्नल लगे और पब्लिक को मतलब सुविधा मिले, यही प्रशासन से हमारी निवेदन है। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए सर, यहाँ पे देखिए हर जगह पूरा पानी पानी भरा हुआ है और यहाँ पे प्रशासन ध्यान नहीं दे। जब चुनाव का समय आता है तो नेता लोग आएंगे, बस बोलते रहेंगे इसको करवाना, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे जो दुकानदार लोग हैं ऐसी परेशान है, और इधर इनकी जो चीज़ का सुविधा होना चाहिए उस चीज़ का सुविधा नहीं है, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ का सुविधा, नो एंट्री कभी लगता है कभी नहीं लगता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है लेकिन उसके ऊपर कोई उनकी दिखाई नहीं, किसी को कुछ दिखाई नहीं देना। इनकी बस चुनाव का समय आना है तो बस नेता लोगों को बस शक्ल दिखना, बाकी कोई वो नहीं है। कैमरा है नहीं है ना सर, सबसे मेन चीज़ कैमरा रहेगा तभी तो सर कुछ भी चीज़ होगा, कैमरा है नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन छावनी चौक पर कोई हादसा ना हो। छावनी चौक को यदि हादसों का चौक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन खंभों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, परंतु ये काम करते हैं अथवा नहीं यह किसी को पता नहीं। ऐसे में ज़रूरी होगा कि दुर्ग पुलिस का यातायात विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द यहाँ व्यवस्थाएँ दुरुस्त कराएँ, जिससे यहाँ होने वाले हादसे बंद हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।